हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट की गई है, यूनिट हमने स्टार्ट की है। यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इस यूनिट के हम तीन टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ CFT। और हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एनर्जी इन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज का टॉपिक हमारा रहेगा CFSC। कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं हम, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म में आपको लगेगा, हम लिख देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSC की बात करेंगे हम किन कॉम्प्लेक्सेस में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो सबसे पहले बात करें कि CFSC होती क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्रोवाइडेड बाय डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जब वो टू लेवल में डिवाइड हो जाता है। क्या कहा मैंने? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द डी ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू टू लेवल्स। बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो क्या टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी डी ऑर्बिटल की, उसी को हम कह रहे हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सोल्व कराऊंगे तो डेफिनेशन आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि हमें पता था, कल हमने स्प्लिटिंग देखी डी ऑर्बिटल की, जो स्प्लिटिंग थी हमारे डी ऑर्बिटल की वो कैसे थी। बेटा स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं पता तो ये पिछला जो पार्ट थर्ड था उसको एक बार देख लें तो आपको वहां से स्प्लिटिंग क्लियर हो जाएगी और आज का टॉपिक आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमने देखा था जब लिगेंड अप्रोच करता है तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में आपके पास दो सेट्स में ब्रेक करता है। एक सेट होता है आपका T2G और जो दूसरा सेट हमारे पास होता है बच्चों वो क्या होता है आपके पास EG। अब बात करें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते कैसे हैं। जैसे बात कीजिए आपके पास D में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अगर हम बात करें कल की तो यहाँ पे हमारे पास एक बेरी सेंटर था, बेरी सेंटर से ये डिस्टेंस आपका -0.4 था डेल्टा ओ, और ये जो डिस्टेंस था आपका ये आपका कितना था +0.6 डेल्टा ओ, और आपने इसको कहा था 4DQ के बराबर, और ये हमारा किसके इक्वल था 6DQ के इक्वल था। तो अब D1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन आया है, देखिए जितना नीचे इस लाइन से नीचे जितना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे उतनी स्टेबलाइजेशन डी ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी, और जितना ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे उतनी डी स्टेबलाइजेशन जो है डी ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी। इस चीज को ऐसे समझिए, देखिए ये एक एनर्जी लेवल था बच्चों, ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है, और हमें पता है जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी जो अनस्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की डिस्टेबलाइजेशन जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना स्टेबिलिटी डी ऑर्बिटल की बढ़ती है, स्टेबलाइजेशन बढ़ेगी, और जितना आप ऊपर इलेक्ट्रॉन आपके आते जाएंगे उतनी ही डिस्टेबलाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, इन दोनों का ओवरऑल कैलकुलेशन जो हमारा आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो बात करें D1 की, D1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आया, जिस शेल में उसकी एनर्जी क्या है -0.4 डेल्टा ओ। तो ओवरऑल D1 के केस में, इन केस ऑफ D1 आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हुई, -0.4 डेल्टा ओ, या आप क्या कह दें ये किसके बराबर है, +=4DQ। किस केस में है ये, D1 के केस में। अब D2 के केस में बात करें हम, क्या होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे आया। अब कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दो है, किस एनर्जी में है, -0.4 डेल्टा ओ में है। आप DQ ले लें, DQ लेना चाहते हैं आप डेल्टा ओ ले लें, लेकिन एक सजेशन दूंगी, अगर DQ में सॉल्व करना है तो सबको DQ में सॉल्व करना, डेल्टा ओ में सॉल्व करना है तो सबको डेल्टा ओ में सॉल्व करना, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन आपको हो सकती है। मैं दोनों में आपको सॉल्व करा दूंगी,
तो माइनस 0.4 को जब आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.8 डेल्टा ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 8 डी क्यू। ये किस केस में है, डी टू के। डी थ्री की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ डी थ्री तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन टी टू जी में आए, टी टू जी थ्री इंटू जीरो पॉइंट माइनस 0.4 डेल्टा ओ, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा ओ इक्वल्स टू 12 डी क्यू। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने देखी D1, D2 और D3 के केस में। अब अगर मैं बात करूं D4 की, जब आप D4 की बात करते हैं तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, जब आप फिल करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को तो आप क्या कर सकते हैं D4 के केस में, 1, 2, 3 या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक और केस हम कर सकते हैं D4 के केस में, क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ये T2G है, ठीक है, ये आपका EG है यहाँ पे, ये हमने EG भी बना लिया, ये बन गया EG हमारे पास। अब यहाँ पे एक एनर्जी होगी, इस एनर्जी से यहाँ का जो गैप होगा, जो एनर्जी डिस्टेंस होगा वो कितना है, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और यहाँ का गैप कितना है, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। अब या तो D4 के केस में, कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं हम, D4, या तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। अच्छा, ये ओवरऑल गैप जो T2G और EG के बीच का था, ये हमारा कितना था बच्चों, डेल्टा ओ। फिर से कहूंगी, जिसने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं देखी है एक बार बेटा वो वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये सब जो बातें मैं अभी बता रही हूँ ये हमने वहां डिस्कस किया, और ये बहुत ईजी हो जाएगा समझना आपके लिए। तो डेल्टा ओ होता है ये, तो इलेक्ट्रॉन D4 के केस में 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, 1, 2, 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन भी यही आ जाए, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है। अब ये कब होगा और ये कब होगा, तो यहां पे जब आपकी बात आती है D4 के केस की, तो दो केसेस बनते हैं, एक ये पहला केस है और दूसरा केस ये है। लेकिन ये कब बनेंगे बेटा, ये बनेंगे, दो रिलेशन होंगे आपके पास डेल्टा ओ और किसके बीच में, पी के बीच में। अगर तो आपकी डेल्टा ओ ज्यादा है, पी क्या है, सबसे पहले पी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी है पेयरिंग एनर्जी, पी इज पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा ओ क्या है, चेंज इन एनर्जी, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। देखो डेल्टा और पी के बीच में रिलेशन बनेगा। अब डेल्टा ओ अगर ज्यादा होगा, अगर डेल्टा ओ ज्यादा होगा तो यहां से खुद सोच के देखिएगा, अगर डेल्टा ओ ज्यादा तो ये वाला गैप क्या ज्यादा, ये वाला गैप ज्यादा, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर पाएगा, ये एनर्जी हाई है, यहां गैप ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, जब आपके पास डेल्टा ओ ज्यादा होगा किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो कौन सा केस बनता है आपके पास, सेकेंड वाला केस। कौन सा केस बनता है हमारे पास, सेकेंड वाला। क्यों बना, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा तो नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा तो हमारे पास ये वाला केस बन जाएगा। अच्छा, ये जो केस बनेगा, यहाँ पे जो लिगेंड्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के होंगे उनके केस में ये बनेगा। अच्छा, एक और लिगेंड देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, नीचे ही रह गया ना, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये कब हुआ आपका, जब डेल्टा ओ क्या था बच्चों, ज्यादा था किससे, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, एंड दिस इज द एनर्जी डिफरेंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो अब आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, समझ आया। सेकेंड केस हमारे पास ये हो सकता है बच्चों, डेल्टा ओ और पी के बीच में, अब की बार पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब देखो डेल्टा ओ इसका मतलब कम, डेल्टा ओ कम इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या कर सकता है, इस गैप ये कम है तो इजिली क्या कर सकता है, जंप करेगा। ये कौन सा केस है हमारा, फर्स्ट वाला केस, ये वाले केस की हम बात कर रहे हैं। इस केस में आपके पास जो आपके अब जो लिगेंड होंगे यहाँ पे, उनको आप क्या कहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, या आप क्या कह देंगे बच्चों उनको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, देखो हाई नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे हाई,
लो मतलब नीचे ही रहेंगे, ज्यादा ऊपर जाएंगे ही नहीं। लो कौन करेगा? स्ट्रोंग वाले। अब देखो एक चीज है, आपके पास दो, आपने दो इंसान देखे, एक पावरफुल है और एक थोड़ा सा वीक है। जो पावरफुल है वो क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो देखो लो नीचे ही रहेंगे, होल्ड करके रख रहा है। कौन रखेगा होल्ड करके? स्ट्रोंग वाला इंसान ही रखेगा। यहाँ पे देखो हाई, जो आपका हाई जा रहा है वहां पे क्या है? वीक सा इंसान है, वो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर पा रहे हैं? जंप कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है, मैं समझती हूँ कि डी फोर के केस में आपको दोनों केस समझ आए होंगे। अब बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन की। तो बच्चे यहाँ कैलकुलेशन करो इस केस में, जब आपका क्या है डेल्टा ओ लेस देन है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर प्लस यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, और क्या एनर्जी है? 0.6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1.2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6। आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? -0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, 6DKO आपका क्या आ गया यहाँ पे? आंसर आ गया इस केस में। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है इंटू में, चार इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो कहाँ है? चार इंटू -0.4, तो कितना आ गया ये? -1.6 डेल्टा ओ, या आप कह सकते हैं -16DKO आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब एक चीज और आएगी यहाँ पे इसके साथ, देखो क्या चीज आएगी वो। ये जो आपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कराया है, ये तो आपने जबरदस्ती पेयर कराया ना। जबरदस्ती कैसे? देखो इलेक्ट्रॉन को जाना तो वैसे तो यही था, एक दो तीन चौथे नंबर पे जाता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ आपको समझाऊं, 1 2 3 4 एंड एक और ले लो 5। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 2 3 चौथे इलेक्ट्रॉन को जाना तो यहाँ था, लेकिन हमने जबरदस्ती यहाँ ना भेज के उसको यहाँ भेजा। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की जबरदस्ती क्या की है? पेयरिंग। तो इसकी पेयरिंग की है, तो यहाँ पे हमें एक अमाउंट ऑफ क्या लगी होगी? पेयरिंग एनर्जी लगी होगी। तो साथ में आप लिखेंगे -1.6 डेल्टा ओ प्लस में पी, 1p, कि आपने एक इलेक्ट्रॉन की क्या कराई है? पेयरिंग कराई है। क्योंकि वैसे तो केस ये बनना था, लेकिन अब केस क्या बना है? ये वाला बना है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे तो एक बार दोबारा से इसको पीछे से देख लो, फिर भी नहीं समझ पा रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं फिर से इसको क्या कर दूंगी, आपको एक नए तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगी। अब बात करते हैं इन केस ऑफ D5। अगर हम बात करें किस केस की? D5 के केस में। तो D5 के केस में भी ऐसा ही होगा, एक तो ये आपका लेवल होगा, ये कब होगा? जब आपका डेल्टा ओ क्या होगा? लेस देन पी होगा। ठीक है, और ये कब होगा? जब आपका डेल्टा ओ लेस ग्रेटर देन पी होगा। दोनों केस होंगे। अब अगर आपका डेल्टा, एग्जामिनर आपको देगा कि आपने ये केस लिखना है, या दे देगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में CFSC कैलकुलेट करो, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में CFSC कैलकुलेट करो, आपको वो लिख के देगा। तो डेल्टा ओ जब लेस देन है पी से D5 के केस में, 1 2 3 4 एंड 5, तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? ये T2G था, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एनर्जी लेवल -0.4 डेल्टा ओ प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू में वहां पर एनर्जी क्या है? 0.6। ठीक है, 0.6। आप इसको सोल्व करें तो -1.2 डेल्टा ओ, और यहां से कितनी आ जाएगी? +1.2 डेल्टा ओ। इसको आप सोल्व करें, डेल्टा ओ बार बार चाहे मैं ना मेंशन करें, यहाँ पे CFSC की जो वैल्यू है इन केस ऑफ किस में? D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। यहाँ डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे तो देखो बच्चे 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन है नीचे ही है सारे, तो -0.4, और यहां से कितना आ जाएगा? -2.0 डेल्टा ओ। अब साथ में फिर से बता रही हूँ, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपका लगेगा, क्योंकि हम इनको जबरदस्ती पेयर करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास होगा 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पेयर कराया है तो इसके नाम की एक पेयरिंग एनर्जी, और इसको हमने यहाँ पेयर कराया तो इसके नाम की भी एक पेयरिंग एनर्जी, साथ में प्लस आपका क्या लगेगा? 2p लगेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हो। अब बात करें किसकी? D6 की। D6 के केस में भी ऐसा ही होगा कि डेल्टा ओ आपकी क्या होगी? लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगी। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भी लिख के दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें D6 की, अब हम D6 की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड
सिक्स। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? नीचे चार इलेक्ट्रॉन है माइनस 0.4 प्लस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है और किसमें है ये? प्लस 0.6 में है, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस 1.6, यहाँ से कितना आएगा? प्लस 1.2। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, किसमें है? माइनस 0.4 डेल्टा ओ। तो आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? माइनस 2.4 डेल्टा ओ। लेकिन फिर से बता रही हूँ, पेयरिंग एनर्जी आएगी, और सजेस्ट करूंगी बच्चों जब भी पेयरिंग एनर्जी निकालनी होगी, पी का वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा, हमेशा ये ड्रॉ करके देखना, कभी गलती नहीं होगी। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एक तो ऑटोमेटिकली पेयर हो रहा है, हमने कितनों की जबरदस्ती पेयरिंग कराई है, इसकी और इसकी, इन दो को पेयरिंग एनर्जी दी है, तो साथ में सिर्फ कितना आएगा? 2p आएगा। हम गलती क्या करते हैं, अगर आप ये बना के नहीं देखोगे तो हम देख लेते तीन पेयरिंग हुई है प्लस 3p लिख देते हैं और क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा। हमेशा सजेस्ट करूंगी कि डी ब्लॉक में पेयरिंग एनर्जी निकालनी है तो इसको ड्रॉ करना है, यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है बातें। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास अब D6 के केस में आ गई। अब बात करूं D7 के केस में, इन केस ऑफ D7, तो जब आप D7 के केस में बात करेंगे, 1, 6 ऑलरेडी फिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे कितने हैं बेटा? 5 है, इन टू में क्या? माइनस 0.4 प्लस में, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। किस में है? माइनस प्लस 0.6 में है। इसको सोल्व आउट करो, माइनस 2.0 प्लस, यहां से इसको सोल्व आउट करो, 1.2। कितना आंसर आएगा? माइनस 0.8 डेल्टा ओ, या आप क्या कह देंगे? 8DQ। ठीक है, यहाँ आ जाओ बच्चों, कितना आएगा? 6 तो ऑलरेडी है, 7, सातवां तो यही जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या आया था? इनको सोल्व करके आंसर क्या आ रहा था? 4 × इनको सोल्व किया तो कितना आया? माइनस 0.4 × में कितने? 6। तो कितना आया यहां से? माइनस 2.4 प्लस 1 × में 6, 0.6। तो यहां से कितना आया? माइनस 2.4 प्लस 0.6। तो कितना आया बच्चों आपके पास? माइनस 1.8 डेल्टा ओ। साथ में पेयरिंग एनर्जी की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कितना जबरदस्ती पेयर कराया है? सिर्फ एक को जबरदस्ती पेयर कराया हमने, दो ऑटोमेटिकली पेयर हो गए, एक को हमने पेयर अप कराया, तो साथ में क्या आ जाएगी? माइनस 1.8 डेल्टा ओ प्लस में 1p आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो उम्मीद कर रही हूँ समझ रहे हो, बोर्ड भी विजिबल होगा आपको। तो ये रहा हमारा D7 तक का कॉन्सेप्ट। अब बात करूं D8 की, किसकी बात करेंगे बच्चों? हम CFSE कैलकुलेशन करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ये जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, इसी को कह रहे हैं हम CFSE, ये टोटल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसी को कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द डी ऑर्बिटल व्हेन इट स्प्लिट इनटू टू लेवल्स, तो वो जो एनर्जी मिलती है उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। इन केस ऑफ D8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है नीचे, माइनस 0.4 प्लस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इनटू में प्लस 0.6। इसको सॉल्व आउट करो तो माइनस 2.4, यहाँ से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1.2। तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस 1.2 डेल्टा ओ। यहाँ पे देखो 6, 7 और 8, ये तो दोनों केसेस सेम है और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो D8 के केस में आपके पास ना तो लो स्पिन बनते हैं ना हाई स्पिन बनते हैं, एक ही केस बनता है। आप ये ले लो, दोनों केसेस क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पे आपके पास D8 में आपके पास लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बनते हैं, D9 के केस में भी नहीं बनेंगे। अब किसी केसेस में नहीं बनेंगे, केस करें D9 तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ आ जाएगा साथ में, तो ये एनर्जी तो सेम रहेगी, माइनस 0.4 दिस, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.8। इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 0.6 डेल्टा ओ। इन केस ऑफ D10, किसकी बात करें हम? D10 के केस में तो ये 6 है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4, इनकी एनर्जी सेम रहेगी। अब यहाँ पे आपके पास 3 की जगह कितने आ गए हैं?
चार, तीन की जगह चार आ गए हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले उसमें, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, चार आ गए ना, तो फोर यहाँ पे कितना आ गया 2.4, और यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 delta O, मतलब CFSE in case of D10 आपके पास क्या रहेगी 0 रहेगी। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं, क्या हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब आप बात करते हैं केसेस की इन केस ऑफ D1 D2 D3 D8 D9 एंड D10, यहां पे ना तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, एक ही जैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप उसको लो स्पिन मानो हाई स्पिन मानो कुछ भी मानो, लेकिन लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का केस आपके पास कहाँ आता है, जहां D4 D5 D6 और D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और केस क्या होता है कि डेल्टा ओ या तो कम होगी या डेल्टा ओ ज्यादा होगी। हमेशा याद करने का तरीका एक ही है, डेल्टा ओ को अगर कम होगी, देखो कम होगी तो चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब होंगे जब वीक फील्ड लिगेंड होंगे, हाई कब जाएगा जब कमजोर आदमी होगा, तो क्या होगा डेल्टा ओ क्या होगी लेस देन होगी, तो कौन से बनेंगे हाई स्पिन बनेंगे, डेल्टा ओ ग्रेटर, ऊपर ही नहीं जा पाएगा नीचे ही रहेगा, लो लेइंग रहेगा, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, या आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो बनेंगे वो किसमें बनेंगे लो एनर्जी में आपके बनेंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको सिखाई है क्या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्या थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो ये आप कैलकुलेट कर रहे हो इसमें, इसमें इसका रिजल्टेंट जो आंसर आपके पास आ रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द डी ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू टू लेवल्स, स्प्लिट होने के बाद दो लेवल्स में स्प्लिट हो गया डी ऑर्बिटल, उसके बाद जो एनर्जी उसमें आती है रिजल्टेंट एनर्जी, उसी को आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ बेटा जो मैंने अभी आपको समझाया है आपको हर एक पॉइंट समझ आया होगा, और एक और चीज बाद में डिस्कस करूंगी वैसे, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद कर रही हूँ आपको टॉपिक समझ आया, टॉपिक समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ आया है, और नेक्स्ट कब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये यूनिट स्टार्ट की गई है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।